हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अयांस टेक्निकल यान यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बर्नियर कैलिपर्स या बर्नियर स्केल क्या होती है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हो बर्नियर कैलिपर्स और बर्नियर स्केल ही है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ करेंगे, मतलब कहाँ हमें ये काम आती है। तो बर्नियर कैलिपर्स क्या है और बर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हो। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, वो भी सब इसमें हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बर्नियर कैलिपर्स आखिर होता क्या है। ठीक है, ये एक प्रकार का माइक्रोमीटर है, मतलब माइक्रोमीटर है या इसको बोल सकते हैं माइक्रोमीटर है, जिसका उपयोग हम ऐसे जगहों पर करते हैं जहाँ पर किसी बड़े नापने वाले औजार का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब बड़े डिवाइस या बड़े इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे हम माइक्रोमीटर के नाम से ये हमारे पास होता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसी प्रकार की श्रेणी में आता है, जैसे कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को माप लेनी है जिसके घिसने की बहुत अधिक, मतलब बहुत ही कम संभावना हो, लगभग मिनी, मतलब बहुत ही मिनिमम माइक्रो एमएम में घिसने की संभावना है, तो एमएम में घिसने की संभावना है, तो वहाँ पे हम इस माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रॉब होती है, प्रॉब लगी रहती है कंप्रेसर में, तो वहाँ पे जो प्रॉब और उसके बीच में जो रोटर होता है, वहाँ पे बीच में घिसने की संभावना कम होती है, वहाँ पे हम जो हमारी मैकेनिकल पत्तियाँ होती हैं उनको फंसाते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं भाई कितना एमएम गैप है, तो हम बर्नियर कैलिपर से उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो बर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया था, बर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, पैरी बर्नियर्स वैज्ञानिक थे। तो आप इससे क्लियर हो रहा है कि पैरी इनके नाम पे ही, मतलब ये वैज्ञानिक के नाम पे ही ये स्केल का नाम रख दिया गया और उसी टाइम पे ये स्केल का नाम बर्नियर कैलिपर्स पड़ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो बर्नियर कैलिपर्स का नाम इस प्रकार से बर्नियर कैलिपर्स के नाम पे ही रख दिया गया, वो वैज्ञानिक बर्नियर पैरी थे। ठीक है, बर्नियर कैलिपर्स में जो आप देखते हो कि इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें लॉक स्क्रू है, मिनी स्केल है, इसी के अंदर डीप रॉड है, जो डीप रॉड आगे की तरफ जा रही है, ये डीप रॉड है, इससे हम जैसे कि कोई गहरा गड्ढा है या गहरा अंदर तक हम, मतलब कि हमारा हाथ नहीं जा सकता है, जैसे कि हम इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे, तो हम रॉड गहरे डीप रॉड से भी उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थंब स्क्रू है, बर्नियर स्केल है, इसमें स्केल होती है, छोटी सी बर्नियर स्केल दिख रही है आपको, ये बर्नियर स्केल है, इसमें लोअर जॉब्स है, ठीक है, इसका मुंह है, इसको बोल सकते हो फॉर आउटर मेज़रमेंट के लिए या आउटर मेज़रमेंट के लिए, और अपर जॉब्स है जो इनसाइड अंदर का मेज़रमेंट होता है, जैसे कि कोई गोल राउंड चीज़ है, जैसे कि नट बोल्ट हुआ अंदर का, ठीक है, तो उसके अंदर का हमें मेज़र करना है, तो इनसाइडर जिसको इनसाइड बोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास बर्नियर स्केल होती है। बर्नियर स्केल मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं आपको। इसमें अगर शुद्धता की बात करें तो देख सकते हो आप 0.01 mm और 0.05 mm, 0.05 mm और 0.02 mm मेट्रिक प्रणाली में तथा 0.001 ब्रिटिश प्रणाली में उपलब्ध होते हैं। ये अलग अलग साइज़ में अलग अलग प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आपको बर्नियर कैलिपर्स ख़रीदना है तो मैंने अमेज़ॉन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके भी उस लिंक के थ्रू अमेज़ॉन पे चले जाओगे और वहाँ से आराम से आप ख़रीद पाओगे। तो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ आयंस टेक्निकल ज्ञान पे। तो आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, करें लाइक। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।